खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस में कुशवा क्षत्रिय संघ हाथरस के तत्वाधान में लवकुश शोभा यात्रा निकाली गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में औद्योगिक राज्य मंत्री जसवंत सैनी दहे मौजूद, जिनका मंच पर जोशीला स्वागत कर फूल माला मुकुट पटका एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मंच का संचालन रामू कुशवा ने किया, साथ में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदेश विनोद सैनी, जिला अध्यक्ष गौरव आर्य, पूर्व सांसद राजेश दिवाकर, सदर विधायिका अंजुला सिंह माहौर, जिला उपाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवा, चेयरमैन मेड़ू सत्येंद्र सिंह, रजनेश कुशवा, पीपी सिंह प्रेम रघु हॉस्पिटल, टेकपाल कुशवा, जिनका कुशवा क्षत्रिय संघ ने फूल माला पटका मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज ये कार्यक्रम था, वो कुशवा क्षत्रिय महासंघ उसके बैनर तले भगवान लवकुश उनकी शोभा यात्रा का ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय केंद्र हमारे राज्य के मंत्री जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिले के प्रभारी, हमारी सदर की विधायिका अंजला जी सहित बहुत सारे गणमान्य लोग थे, अन्य चेयरमैन वो सभी लोग उपस्थित थे। और क्षत्रिय महासभा एक भव्य शोभा यात्रा इस पूरे शहर में निकाल रहे हैं, उसी कड़ी में आना हुआ था। और वहाँ श्वेता चौधरी उसके प्रतिनिधि के रूप में एक घोषणा ये की गई कि भगवान राम के पुत्र लवकुश, भगवान कुश के वंशज हैं कुशवा समाज के, और उनके नाम से पूरे जनपद में कोई एक अच्छा स्थान, कोई एक अच्छी मूर्ति, कोई एक यादगार ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे भगवान कुश को याद किया जा सके। कुशवा समाज के वो गौरव हैं, सम्माननीय हैं। तो एक ये घोषणा की गई, अगर कुशवा समाज अगर भूमि उपलब्ध कराता है तो नगर पालिका वहाँ भगवान कुश की भव्य मूर्ति निर्माण करेगी और उसका सौंदर्यीकरण करेगी। हाथरस में लवकुश शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे आराध्य रामचंद्र भगवान जी के सुपुत्र लवकुश जी के उसके लिए ये लवकुश शोभा यात्रा का आह्वान हमारे कुशवा समाज की तरफ से हो रहा है। हमारे कुशवा क्षति संघ के सभी पदाधिकारी, इसके अध्यक्ष टेकपाल सिंह कुशवा और संपूर्ण समाज की तरफ से इस कुशवा लवकुश शोभा यात्रा का कार्यक्रम बड़ी हरोश और उल्लास के साथ निकाला जा रहा है। ये इतनी बड़ी शोभा यात्रा कुशवा समाज की तरफ से पहली बार निकाली जा रही है, इसके लिए हमारा संपूर्ण समाज के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री जसवंत सिंह सैनी जी भी आए थे और हमारे हाथरस की अंजुला महावर जी, सदर विधायिका जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी गौरव आर जी और अन्य सभी नेतागणों ने आकर के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसका शुभारंभ हमारे जसवंत सिंह सैनी जी ने किया, इसके लिए भी हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं एक बार हमारे चैनल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रमों को वो इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं और हमारे लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं जसवंत सैनी जी। आज हाथरस उनका आगमन हुआ है, लवकुश जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाग ले रहे हैं। किस तरह का स्वागत रहा है और किस तरह कार्यक्रम है? आज लवकुश जयंती के अवसर पर कुशवाहा महासभा हाथरस द्वारा मुझे न्योता दिया गया था, उसी क्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ। लवकुश भगवान कुश श्री राम और माता सीता जी के सपुत्र, उन कुशवा समाज उन्हीं का वंशज है, उन्हीं के लिए बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं उनके इस अवसर पर सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम उनके बताए रास्ते पर चलें और समाज के उत्थान के लिए आज शिक्षा की महत्व आवश्यकता है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ें, ये संदेश देना चाहता हूँ। समाज का भी इस सरकार में योगदान बड़ा रहता है, उसके लिए क्या करें? सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार में बड़ा योगदान कुशवा समाज का है, उसको पार्टी भी स्वीकार करती है, हम सब भी को भी पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। मंत्री जी बता। अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।